तो गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज हम बताने वाले हैं श्रेडिंग टिप्स ऑफ बिगनर्स। बिगनर्स वो कहलाते हैं जो शुरुआत पे श्रेडिंग मतलब शुरुआत पे ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ट्रिप, अगर आप कहीं से बाहर से खा कर आते हैं या सीधे अपनी ड्राइंग करने लगते हैं, समोसा वोसा खा के आते हैं, तो आप सीधे ड्राइंग करने रहते हैं तो आपके हाथ जो होते हैं बहुत हार्ड रहते हैं, इससे श्रेडिंग आपकी ख़राब हो सकती है। इसलिए आपको अपने हाथ धो लेने चाहिए सबसे पहले जब भी आप श्रेडिंग करें, या तो फिर उसे साबुन से वॉश कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिप ये थी। सेकंड ट्रिप, अगर आप अपनी टेबल को, जैसे कि मेरी टेबल ये है, अगर आप टेबल को साफ नहीं रखते हैं तो आपकी ड्राइंग खराब हो सकती है। जो ड्राइंग पेपर पे ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग बुक पे अगर ड्रॉ करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर आपकी टेबल पर कोई शॉर्पनर की थोड़ी छिलके हिलके डले हुए हैं तो आपकी ड्राइंग खराब हो सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ, श्रेडिंग भी खराब हो जाती है। आपकी स्पीडिंग ख़राब हो जाएगी अगर आप कुछ भी, तो सबसे पहले आपको अपनी टेबल को बिल्कुल साफ करके रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सिंगल पेंसिल से डार्क लाइट एंड बहुत लाइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जब भी श्रेडिंग करनी है डार्क, तो आपको पेंसिल को आगे से पकड़ना है और उस तरीके से करना है। ऐसे करने से आपकी श्रेडिंग डार्क आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर श्रेडिंग लाइट करनी है तो आपको हमेशा इधर से पेंसिल पकड़नी चाहिए, बीचों बीच से, फिर श्रेडिंग करने से श्रेडिंग लाइट आएगी। अगर आपको श्रेडिंग नहीं है तो आपको सबसे पहले पेंसिल को सबसे पीछे से पकड़ना है और फिर श्रेडिंग करनी है, इससे आपकी श्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाएगी। ऐसे करने से आप वन पेंसिल इसे कई तरीके की श्रेडिंग कर सकते हैं, लाइट डार्क एंड वेरी डार्क करने के लिए आपको आगे इसे पकड़ के दो तीन लेयर चढ़ा देनी है। ऐसे करने से आप चार पांच तरीके की श्रेडिंग एक पेंसिल से कर सकते हैं। सेकंड ट्रिप, अगर आपको जैसे कि डार्क से लाइट ले जानी है श्रेडिंग, तो बीच में आप देखते हैं, पहले अगर डार्क श्रेडिंग कर लिया, मैं हमेशा बीचों बीच से ही पकड़ता हूँ पेंसिल, इससे श्रेडिंग बहुत अच्छी आती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रेडिंग तो बीच ही से करें। अगर आप डार्क टू लाइट श्रेडिंग ले जाना चाहते हैं, आप बीच में देखते हैं कि ये लाइन कहती है, तो आपको कोई सा भी इरेजर लेना है और उससे इस थ्रेडिंग के बीच में हल्का हल्का घिस कर इरेजर हल्का हल्का, और उस पर फिर से मेंटेन थ्रेडिंग कर देनी है, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट। ऐसे करने से आपकी थ्रेडिंग परफेक्ट हो जाएगी। और फिलहाल मैं इस ब्लॉग का करता हूँ एंड। इस ट्रिप से आपकी थ्रेडिंग अच्छी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।